हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू जाता। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे कमेंट किए थे कि मैम आप वहां पर जाइए, जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं उनके पास में रियलिटी देखने को मिलेगी कि वाकई में कि इस बिजनेस में कितना मुनाफा है और कंपनी किस तरह से इसमें बायबैक ले रही है कि नहीं ले रही है। तो ये जो है देवरानी जिठानी है और ये इस बिजनेस को करके कम से कम 800 से 1000 रुपए पर डे के कमा रही हैं। ये अपना घर भी चलाती हैं, खाना भी बनाती हैं, अपने बच्चों को भी ये संभालती हैं। बच्चे संभालने के बाद में इनके पास टाइम बचता है तो वो इस टाइप का ये प्रोडक्ट भी बनाती हैं। ना तो इन्हें रेंट पर कोई जगह लेनी पड़ी, इनका ये घर है और छत जो है वो खाली पड़ी है, तो इन्हें छत पर ही इन्होंने नेचुरल चीज़ में, यानी नेचुरल धूप छांव नेचुरल है। देखियो ये अमरूद का पेड़ है और इसी के नीचे ठंडी ठंडी हवा में ये अपना काम कर रही हैं और मस्त हैं, खुश हैं। कि बहुत सारे लोग जॉब करने जाते हैं सुबह से 9 बजे से शाम के 8 से 9 बजे तक, वहाँ पर इतनी मेंटली टेंशन हो जाती है, 500 तरह की फालतू की बातें सुननी पड़ती हैं, सुनने के बाद भी उनको 8 से 10 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और साथ में वो अपने ना घर देख पाती ना बच्चों को देख पाती हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, इनको कहीं मार्केट नहीं जाना है, कुछ भी नहीं बेचना है, घर बैठे ही ये 800 से 1000 रुपये पर डे के कमा रही हैं। तो क्यों ना इस तरह के बिजनेस को करके आप भी काफ़ी अच्छा मोटी कमाई कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा जो बना हुआ माल है कंपनी को दें, वो आपके ऊपर है, आप देना चाहो दो। और अगर आपको मार्केटिंग अच्छी आती है तो इस माल को बनाकर, यहाँ पर आप जो माल देख सकते हैं, इस माल को बनाकर आप अपने लोकल एरिया में भी सेल कर सकते हैं। तो इसमें और भी ज़्यादा 1000 2000 क्या दिन के 4000 5000 जितना चाहो उतना आप कमा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि किस तरह से मशीन परचेज करनी है, कहाँ से लेनी है, माल को कैसे बनाना है और कैसे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। इवन फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये है एक अनोखी मशीन, इसमें आपको 15 किलो गाय का गोबर डालना है और इस रॉ मटेरियल को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद सिर्फ 5 मिनट आपको इसको चलाना है बस, और फिर 5 मिनट चलाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का प्रोडक्ट इस मशीन से आपका बनके तैयार हो जाएगा। यानी रॉ मटेरियल भी आपको फ्री में मिलेगा, आपको कोई खर्चा नहीं करना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये फ्री का रॉ मटेरियल है और इस मशीन से मिक्स हो रहा है। तो आप इसमें बताएं, आपने इसमें क्या डाला है अभी? इसमें गोबर पड़ी है 7 किलो और गोबर के साथ में और भी कुछ मिलाया है। पाउडर 3 किलो पड़ती है, 270 ग्राम ठीक है, जिकेट पड़ता है, सब चीज़ डालकर मिक्स किया जाता है। कितने टाइम तक मिक्स करना पड़ता है? बस यही 10-15 मिनट 10-15 मिनट में मिक्स हो जाता है। और इसको इसके बाद और क्या करना है? इसके बाद निकाल कर मशीन। अच्छा, इसके बाद सीधा बनने के लिए? हाँ, बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोबर है, इसको मिक्स किया गया है, अब इस तरह से इसको निकालना है। सूखा ही मिक्स हो जाता है कि इसमें पानी वगैरह भी डालना पड़ता है? अंजाद से मतलब जैसा बनाना उतना पानी पड़ती है। तो आप इस बिजनेस को कब से चालू हुए, आप कब से कर रहे हैं इस काम को? मैं 3 साल से काम। अच्छा, 3 साल से आप कर रहे हो। तो दिन भर में कितना माल बना लेते हो? दिन भर में 30 किलो 25 किलो बना लेते हैं। 30-25 किलो तो कितना अर्न हो जाता है? 4000-5000 बना लेते हैं। 4000-5000 पर डे। आप जैसे आपने भी प्रोडक्शन बताया है 20 से 25 किलो आप पर डे बना लेती हैं, तो दिन भर में आप कितना कमा लेती हूँ? 500-600-700-800 ऐसे बना। यानी जितना आप माल बनाओगे उस हिसाब से आप कमा लेते। तो आप या बहने बहने हो या दोरानी जिठानी हो? देवराजनी जिठानी। अच्छा, तो आप दो ही लोग बनाते हो? हाँ, दो ही लोग बनाते हैं। तो ये बना हुआ माल इसका आप करते क्या हो? इसको क्या आपको मार्केट में सेल करने जाना पड़ता है? जी नहीं, कंपनी को डायरेक्ट दे देते हैं, कंपनी बेच के हमें पैसे देते हैं। तो आपने ये जो मशीनें हैं आपने कहाँ से परचेज की हैं? ज्योति इंडस्ट्री से परचेज। अच्छा, ज्योति इंडस्ट्री से आपने ये मशीनें परचेज की हैं और बना हुआ माल भी आप उन्हीं को सेल कर देते हो। तो आपने ये दो मशीन लगा रखी हैं कि और भी मशीनें हैं? एक मशीन वो बड़ी वाला डाई। हाँ हाँ। अच्छा, ये बिजली से चलती है और बिना बिजली से चलने वाली भी है क्या आपके पास? हाँ, ये रहे। अच्छा, ये वाली जो मशीन है वो बिना बिजली से चलने वाली है। हाँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मशीन रखी हुई है इसको लाइट से नहीं चलाना पड़ता है, ये बिना बिजली से चलने वाली मशीन है और ये बिजली से चलने वाली मशीन है। तो ये वाली जो मशीन रखी हुई है ये बिना बिजली से चलने वाली है, तो इसमें कितना प्रोडक्शन हो जाता है दिन भर में? 20-25 किलो बनते हैं। यानी जितना इसमें बनता है वही इसमें बन जाता है? तो इसको आप कब चलाते हो? जैसे अभी तो अभी लाइट है तो आप इसको चला रहे हो? जब जब लाइट रहता तो इनको चला लेते हैं, लाइट नहीं रहता तो इसको चला लेते हैं। और हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये सम्रानी कप है, ये जला के भी रखा हुआ है, साथ में इनको खुशबू भी आ रही हैगी। तो ये कितने घंटे जल जाता है? ये दो डेढ़ घंटे जल जाते हैं। अच्छा, दो घंटे तक ये जल जाता है बड़ा वाला कप? बड़ा वाला। और ये छोटा वाला? आधे घंटे। अच्छा, ये आधा घंटे। जैसे आपने अभी इसको बनाया, जैसे ये वाला आप बना रहे हैं, तो इसका फिर करते क्या हो? कितने टाइम तक इसको सुखाना भी पड़ता है क्या? हाँ, इसको धूप में तरे पे लगा के फिर धूप में डालना पड़ता है। अच्छा, सूख जाएगी परसों तैयार है। कल सूख जाएगी, परसों फिर भराने लगेगी। तो आप ऐसे ये सम्रानी कप बना रहे हो, इसके बाद क्या करना होता है? इसको सुखाऊंगी, फिर सूख जाएगा तो पैकिंग करके सज जाएगा। अच्छा, ये जो कार्टून रखे हुए हैं इस टाइप के कार्टून में भर के आप कंपनी को भेज देते हो? अब हम आपको मिलवाते हैं ज्योति इंडस्ट्रीज के जो ऑनर हैं गोपाल जी से को, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको मशीन लेनी है और किस तरह से क्या प्रोसीजर होगा। तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका भी स्वागत है मैडम हमारे ज्योति इंडस्ट्रीज में। इस माल को क्या आप बायबैक में भी लेते हैं क्या? बायबैक में ले रहे हैं मैडम, जो बनाते हैं ये वो हमें ही दे रहे हैं वापस। तो इसमें कोई एग्रीमेंट वगैरह भी होता है क्या? 5 साल का एग्रीमेंट है, जिस भी स्टाम्प पेपर पे कस्टमर कहते हैं उसे स्टाम्प पेपर पे लिखित में उनको मिल जाएगा कि हम 5 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं और उनसे बना हुआ माल वापस ले रहे हैं। तो गोपाल जी आप बताइए कि जो लोग हमारे व्यूअर्स अगर इस मशीन को लेना चाहते हैं तो किस तरह से परचेज कर सकते हैं? मैडम एक तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा, अगर वो दिल्ली से देख रहे हैं या दिल्ली NCR या दिल्ली के आसपास से देख रहे हैं तो आजकल आधार कार्ड और पैन कार्ड सबके हर आदमी के पास होता है, तो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आएँ। और हमारे पास कई तरह की मशीन है, जैसे कि आपने एक तो मैंने आपको दिखाया अभी धूप कप का, सम्रानी कप का, तो इसी तरह से हमारे पास अगरबत्ती की भी मशीन है, धूप स्टिक की मशीन है जो कि आप गोबर से बना सकते हैं, और कपूर की भी मशीनें हैं, अलग अलग टाइप की मशीनें हैं, जैसे कि वॉल पेन बनाने की मशीन है, कॉटन विक मशीन है, दोना पत्तल की मशीन है, स्लीपर की मशीन है, काफ़ी तरह की मशीनें हैं जो कस्टमर हमारे यहाँ से लेके अपना एक लघु उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई गोडाउन और फैक्ट्री लेने की जरूरत नहीं, जैसा कि आपने देखा अभी कि अपने घर पे छत के ऊपर अपना सेटअप लगा रखे हैं और 20-25 हज़ार रुपये एक मशीन से कमा रहे हैं। ये इनके पास 3 मशीन है और ये 3 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी अगर माल बना के आपको अगर वापस देंगे तो पर डे वो लोग कितना कमा लेंगे? मैडम कम से कम अगर पार्ट टाइम में भी करते हैं ना तो 500-700-800 रुपये आराम से कमा सकते हैं वो। जैसा कि वो ये हम नहीं कह रहे हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो जो काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो मशीन है जैसे आपने अभी इन्होंने बताया है, ये जो बिजली से चलने वाली मशीन है इसका तो डेमो मैंने देखा है, और ये वाली बिना बिजली से चलने वाली मशीन है ये किस तरह से काम करती है और इसमें कितना प्रोडक्शन होता है? इसका भी प्रोडक्शन उतना ही जितना उसमें है, बिजली वाले में जितना उतना इसमें भी है। अच्छा, उतना ही इसमें होता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अगर एक पीस बन रहा है एक साथ, इसमें एक साथ 6 पीस बनता है। मैं आपको एक बार इसका भी डेमो दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बिना बिजली से चलने वाली मशीन है, इसमें भी बढ़िया फिनिशिंग आएगी, फिनिशिंग में कोई भी शिकायत नहीं, और ये तो बहुत सस्ती मशीन है। अगर आप 2-5 लाख की मशीनें लेते हो ना तो ऐसा फिनिशिंग नहीं आएगी, ये हमारा गारंटी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिना बिजली की मशीन और इसको ऑपरेट करना कितना आसान है। देखो मैं खुद यहाँ पर आपको बना के दिखा रही हूँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम चलाई है। देखो आप कितने सुंदर सुंदर कप बन के तैयार हो गए हैं, फिनिशिंग देखिए आप, फिनिशिंग देखो आप, यानी मैंने तो फर्स्ट टाइम ही बनाए हैं, इतने प्यारे प्यारे से कप हैं। तो आप ये जो गोबर है आप कहाँ से लेके आते हैं? आपको ये खरीदना पड़ता है? जी हाँ, गैया है नीचे, गाय से लेते हैं। अच्छा, आपने गाय भी रख रखी हुई है नीचे, यानी रॉ मटेरियल आपका बिल्कुल गोबर फ्री हो गया। हाँ। और अगर ज्यादा लगता है तो सब दूसरा जगह से लाती हूँ, यहाँ सब जगह का गाय है, खरीद के लाने पड़ता है। अच्छा, आपके आस पास में आस पास के लोगों से आप ले लेते हो? हाँ जी। बाकी मैडम तो ऐसा सेटअप कर रखे हैं कि नीचे गाय बांध रखे हैं और ऊपर ये मशीनें लगा रखे हैं,
तो मैंने कहा गाय भी दिखाऊंगा एक बार। यानी इनके दोनों काम होते हैं, गाय का दूध भी पीती है, गोबर भी ले लेती है उससे, ये समरानी कप बनाती है और खुशबू लेके खुद भी इंजॉय करती है। कितनी अच्छी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स समरानी कप की कितनी ज्यादा अच्छी खुशबू है। और देखिए एक से दो घंटे तक ये जलता रहता है। अलग अलग साइज का मतलब अलग अलग टाइमिंग होता है मैडम। बड़ा साइज जो है उसमें हाँ। एक घंटा डेढ़ घंटा, छोटा सा है जो उसमें 20 मिनट 30 मिनट अलग अलग। बाकी इस तरह से देखो सुखा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए है ना, ये अभी बना के रखे हैं तुरंत, अभी बिल्कुल गीला है ये, जैसा कि आपको मैं दिखाऊंगा ये अभी बिल्कुल गीला आपको दिख रहा होगा। ये सारे देखो इस तरह से बल के यहाँ पे रखा हुआ है सूखने के लिए, यानी एक दिन लगता है इसको सूखने में। एक दिन इसमें लगता है सूखने में, और इसके बाद सूखने के बाद ये सीधा कार्टून में डालेंगे। इस तरह से सुखाने के बाद देखिए कई क्वेश्चन आपका जो कस्टमर हैं व्यूअर्स हैं उनको लग रहा होगा ना हम भेजेंगे ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, टूट जाएगा। ये टूटता नहीं है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये सूख गया है कप, उधर तो गीला है, अभी ये सूखा हुआ है। देखो मैं आपको फेंक के दिखाऊंगा एक बार, आप कैसे भी कप को, यानी काफ़ी हार्ड हो जाता है, टूटता नहीं कप। आप देख लो कोई भी कप कहीं से भी एक स्क्रैच भी नहीं आता है, सूखने के बाद नहीं टूटता है। गीले में अगर हम इसे देखो एक कप ये गीला है, इसे अगर हम फेंकते हैं या फिर ऐसे दबाने से टूट जाएगा ये, यानी सूखने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सूखने के बाद देखो ना, मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगा। जैसे ये चार कप हमने लिया है ना, इसे मैं फेंकता हूँ, ये देखो कितना तेज फेंका, एक भी कप नहीं टूटे हैं, समझ रहे हैं ना, एक भी कप नहीं टूटा है देखो। तो सूखने के बाद कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं से भी हो तो आप कंपनी को बना के माल दे सकते हैं। हर जगह पूजा होता है, हर जगह के लोग पूजा करते हैं, गाँव के भी लोग हों या फिर सिटी के लोग हों, हर जगह के लोग पूजा करते हैं, तो हर जगह यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। इसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी पे डिपेंडेंट होना है कि कंपनी लेगी या नहीं लेगी तो हम कहाँ से क्या करेंगे, ऐसा है कुछ नहीं है। आप खुद से भी अगर चाहो तो सेल कर सकते हैं, खुद से भी अपने मार्केट में सेल कर सकते हैं। कंपनी सिक्योरिटी दे रही है कि आप जिस भी स्टाम्प पेपर पे कहते हैं ना, आपको लिखित एग्रीमेंट मिल जाएगा 5 साल का कि आप जो भी माल बनाते हैं कंपनी आपसे वापस खरीदेगी। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये इन्होंने अभी दिखाया किस तरह से कोई पैक करके ये पैक कर रखे हैं यहाँ पे। अच्छा इस तरह से पैक हो जाता है, पैक कर रखे हैं ये, अभी हमारे पास आएगा ये, देखो इधर भी भर रखे हैं ये है ना, इधर भी देखो इन्होंने पूरा भर रखे हैं ये बना के, ये आएगा हमारे पास अब, ये देखिए है ना, ये यहाँ पे ये देख सकते हैं काफी भरे हुए रखे हैं, कट्टे में भरे हुए हैं, ये देखो है ना ये सारे कप रखे हुए हैं। मैं इनका गाय भी दिखाऊंगा, इनका गाय भी बहुत सुंदर लगा मुझे देख के एक बार, मैं आइए ऑन कैमरा मैं इनको दिखाना चाहूंगा आपको। अरे पास एक भैंस भी है और एक गाय भी है जो इधर बैठ रही है अभी देखो, ठीक है ना। तो इस तरह से तो हर किसी के पास गाय होती है, ये तो काफी अच्छा है, भैंस और गाय भी घर में है। हमें बहुत सुंदर लगा इनके पास, मैंने आया तो सबसे पहले गाय को ही देखा, बहुत सुंदर लगा मुझे यहाँ पे, काफी प्यारी गाय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके पास देखो कितना साफ सफाई से इन्होंने गाय को भी रखा है अपना, और कहीं भी गोबर देखो वेस्ट होने नहीं दे रहे, जो भी गोबर होता है सीधा ये ले जाते हैं और वो इसके गोबर से कप को बना के कंपनी को बेचते हैं, यानी दूध भी पियो और इसके गोबर से पैसे भी कमाओ। तो